खबर औरैया जिले से है, जहां नगर के सामाजिक और स्वयं सेवी संगठनों के जानकारियों हेतु गठित संयुक्त जनसेवा दल के तत्वाधान में स्वास्थ्य विभाग कन्नौज के सहयोग से रक्तदान किया गया। कोरोना पीड़ितों और सेना के जवानों को समर्पित इस ब्लड कैंप में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम सदस्य के 56 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिसमें 38 महादानी रक्तदान कर पाए। शेष युवाओं को अगले शिविर में अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि छिबरामऊ के इस शिविर ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। एक विशाल रक्तदाता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि भारी संख्या में रक्तदाता स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। कितने लोगों ने अभी तक रक्तदान किया है? मौजूदा समय में अभी तक 16 लोगों ने डोनेट कर दिया है और बाकी डोनेशन जारी है। ब्लड डोनेशन के बाद व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? ब्लड जो भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उसको एक सर्टिफिकेट और डोनर कार्ड ब्लड बैंक की तरफ से मुहैया कराया जाता है, जिससे कि कोई भी रक्तदाता अपने किसी भी रिश्तेदार या उसके जान पहचान वाले को उस कार्ड से एक यूनिट ब्लड 3 महीने के अंदर दिलवा सकता है।